हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, पाक मीडिया इज शॉक्ड एज भारत गेट्स क्रिकेट विराट एंट्री इन 2028 ओलंपिक्स। तो अगर आपको ये न्यूज़ नहीं पता है, मैंने पढ़ी है, तो इसमें जो है क्रिकेट अब जो कि मेरे ख्याल से एलए में, लॉस एंजलीज में होगा, उस ओलंपिक्स में 2028 में शायद, जो जिन्होंने लिखा है, तब क्रिकेट भी होगा पार्ट ऑफ ओलंपिक्स। और वहाँ पे जो है क्रिकेट के पोस्टर जो भी बनेगा या जैसे बोलते हैं उसमें विराट कोहली, डिसाइड किया गया कि विराट कोहली की फोटो होगी। ही इज गोइंग टू बी द, जो भी बोलते हैं वो क्या वर्ड होता है, सिंबल ऑफ क्रिकेट, सिंबल ऑफ क्रिकेट या शोमैन या जो भी जैसे बोलते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि हर ओलंपिक्स में दे लुक एट द पॉपुलैरिटी ऑफ द गेम्स एंड देन इंट्रोड्यूस इट। जैसे कई बार ऐसा होता है, बेसबॉल होती है, जब यूएस में होगी तो बेसबॉल होगी ओलंपिक्स में, जब पेरिस में होगी तो नहीं होगी। सो कोई भी गेम, ये वो गेम्स हैं जो आती जाती रहती हैं। इट इज नॉट अ परमानेंट थिंग। नहीं, मैं कैसे परमानेंट होगी? नहीं, इट इज नॉट अ परमानेंट थिंग। अच्छा, ये चेक करिए आप जाके दोबारा। मैंने चेक नहीं किया, 2020 में एलए में हो रही है, तो वहां वो हां थोड़ा पॉपुलर है। इसका मतलब ये नहीं होता कि 228 के बाद हर ओलंपिक्स में उसका क्रिकेट होगा। डिपेंड अपॉन पॉपुलैरिटी। अच्छा, मैंने कई गेम्स देखी हैं जो कई बार आती हैं जाती हैं, क्योंकि दे आर लुकिंग एट पॉपुलैरिटी ऑफ द गेम। अगर वो गेम कंटिन्यू करती है हाई पॉपुलैरिटी पे, इट रिमेंस देयर, फिर तो क्रिकेट होगी, बट अदरवाइज नहीं होगी। पॉपुलैरिटी इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट 10 टीम्स। अब क्रिकेट वर्ल्ड कप में सिर्फ 10 टीम्स आ रही है, कितने आउट 180 कंट्रीज में। और अगर आप सॉकर देखें तो सॉकर में भी कितनी कंट्रीज हैं, 32 या 33 कंट्रीज हैं। अच्छा, सॉकर वर्ल्ड कप में 30 कंट्रीज से प्लस कंट्रीज आती हैं खेलने के लिए सॉकर। क्रिकेट वर्ल्ड कप में ओनली 10 आर कमिंग। सो पॉपुलैरिटी अभी नहीं है, बढ़ रही है, हो सकता है और टीमें ऐड ऑन हो जाएंगी। ये चेक करना पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं होता कि इट बिकम परमानेंट। ये है कि एक ओलंपिक्स में होगा, देन वी होप कि रिमेंस पॉपुलर और ओलंपिक्स परमानेंट हो जाए। चलो देखते हैं भैया, मेरे को तो ये लगा था कि हर ओलंपिक्स में बम परमानेंट हो गया। मैं तो बड़ी खुश थी कि चलो, क्योंकि इतना फैन फॉलोइंग है हमारी इंडिया में, एटलीस्ट क्रिकेट का जो क्रेज है उससे कोई फायदा तो चलो कह रहा हूं, क्योंकि कोई कांसेप्ट ऐसा होता ही नहीं है कि कोई गेम को परमानेंट कर देते हैं। द लुक एट द पॉपुलैरिटी ऑफ द गेम दैट डिसाइड। अच्छा चलो, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हमारे दूसरे दो चैनल्स, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे अभी तक तुम यहाँ पर आए गए हो तो हम तो आए थे भागे भागे, सोच के बड़ी अच्छी बात है परमानेंट हो गया। बोलते नहीं है परमानेंट। एज एन आईओसी मेंबर, अ प्राउड इंडियन एंड एन आर्डेंट क्रिकेट फैन, आई एम डिलाइटेड दैट आईओसी मेंबर्स हैव वोटेड टू इंक्लूड क्रिकेट एज एन ओलंपिक स्पोर्ट in the LA Summer Olympics 2028. Just if LA came for now. Cricket is one of the most loved sports globally and the second most watched. For 1.4 billion Indians, cricket is not just a sport, it's a religion. So I'm delighted that this historic resolution was passed at the 141st IOC session taking place right here in our country in Mumbai. The inclusion of cricket in the Olympics will create deeper engagement for the Olympic movement in newer geographies, and at the same time provide a boost to cricket's growing international popularity. I thank and congratulate the IOC and the LA organizing committee for their support to this landmark decision. It's truly a day of great joy and jubilation. Cricket in Olympics. और आपको पता है कि क्रिकेट की बात की जाए, क्रिकेट की, तो मेरे माइंड में तो एक ही बंदा आता है, और आपके माइंड में भी एक बंदा आता होगा जो क्रिकेट की पहचान है, जिसके बगैर क्रिकेट मुझे लगता है कंप्लीट नहीं है, और उसका नाम है विराट किंग कोहली। विराट किंग कोहली के बगैर क्रिकेट नामुकम्मल है, ठीक है। ये बात मैंने नहीं की, ये ओलंपिक्स के हेड, जो हेड डायरेक्टर है, उन्होंने बात की है ये वाली। सर, ओलंपिक्स में अब क्रिकेट आएगी 2028 को, 28 में जो है वो लॉस एंजलिस में जो है ओलंपिक्स खेला जाएगा, उसमें अब क्रिकेट भी होगी। और पता है किसकी वजह से आई है? किसकी वजह से आई है? बाबर आजम की वजह से, इंडिया की वजह से आई है, भारत की वजह से। अब विराट कोहली की वजह से, मैं कहता हूँ वो क्रिकेट इंडिया की वजह से आई है, तो भारत की वजह से, हमने इंडिया ने ट्राई किया। ये बात ओलंपिक्स के हेड डायरेक्टर ने भी
उन्होंने भी ये बात की है कि सर हम तो क्रिकेट को जानते ही विराट कोहली की वजह से हैं। मतलब आप क्रिकेट में उन मुमालिक में आप क्रिकेट का नाम लोगे ना तो विराट कोहली की वजह से जी, विराट कोहली का नाम लोगे तो क्रिकेट का नाम लोगे तो विराट कोहली। मतलब क्रिकेट की पहचान अब विराट कोहली से होती है कि 128 साल में पहली बार ओलंपिक्स में क्रिकेट को ऐड कर लिया गया है। आज अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी का जो इजलास है वो जो है इंडिया में मुंबई में हुआ, जहां पर ये फैसला किया गया और क्रिकेट को जो है 128 सालों में पहली बार ओलंपिक्स में ऐड कर लिया गया है। और अगर देखा जाए तो ये 2028 में लॉस एंजलिस में ही होना है भाई। और अगर देखा जाए तो इसमें T20 फॉर्मेट में ही होगा, ठीक है, लॉस एंजलिस में ही होगा और T20 फॉर्मेट में ही होने वाला है, ठीक है। और सारी टीमें होंगी, इंडिया की टीम भी होगी, पाकिस्तानी टीम भी इसमें होगी और मेंस की और वुमेन्स की टीमें भी इसमें शिरकत करने वाली है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा काम जो होने जा रहा है, बड़े जो है वो कई सालों के बाद जो है वो क्रिकेट को ओलंपिक्स में ऐड किया जाएगा। और सबसे जो बड़ी खबर आ रहा है इंडिया वालों के लिए, जो है वो ओलंपिक्स कमेटी का जो चेयरमैन है उसने विराट कोहली का नाम लेके विराट कोहली का शुक्रिया अदा किया है। उसने बोला कि हमारा जो पोस्टर बॉय होगा ना वो विराट कोहली होने वाले हैं। और उसने विराट कोहली की गेम की तारीफ की है, उसने बोला कि लेजेंड है भाई साहब और पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी देगा ना, सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है, इसको ही तो बनाएंगे, खेलेंगे, इससे जो है वो हमारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। विराट कोहली का हम जो शुक्रिया अदा करने वाले हैं कि ये इस इवेंट को जो खेल के 4 चांद लगाने वाले हैं। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विराट कोहली कितना ऐसा ही पोस्टर बनाए। आप इंडिया से अगर देख रहे हैं ना भाई, आप लोग जो है वो प्राउड फील कर सकते हैं कि आपके पास विराट कोहली जैसा खिलाड़ी मौजूद है। आप देखेंगे कोई कहता नहीं है, कहता कोई नहीं है, लेकिन इस टाइम सारी दुनिया की जो क्रिकेट की टीमें हैं ना, हर टीम के लोगों की ये विश है कि यार काश विराट कोहली जैसा प्लेयर हमारे मुल्क में पैदा हुआ होता। आप देखो कुछ ऐसे तो हमने ये पीछे नहीं लगाया हुआ ना, एक ही प्लेयर की पिक्चर लगी हुई, एक ही प्लेयर की, यहाँ बाबर आजम घंटे की पिक्चर नहीं लगी हुई, यहाँ स्टीव स्मिथ, जो रूट, किसी और प्लेयर की पिक्चर नहीं लगी हुई, यहाँ बस पिक्चर भी ऐसी है चुप कराने वाली पिक्चर है, बैंड बजाने वाली पिक्चर है। और दूसरी आप पिक्चर देखें वाली पिक्चर और साथ पाकिस्तान का हमारे प्यारे फ्लैग लगा हुआ है, तो भाई जान यही लॉजिक है, यही रीजन है। और आज किंग कोहली ने क्रिकेट को प्राउड फील करवाया, मतलब कि ये शब्द तो एक सेंटेंस नजर होगा, आपको भारत को प्राउड फील कराया, प्राउड फील करवाया वो क्रिकेट जिसकी इतनी जो है ना बड़ी हिस्ट्री, 100-150-200 साल प्लस की हिस्ट्री, और आज क्रिकेट को किंग कोहली ने प्राउड फील करवाया। क्रिकेट कितनी बड़ी है, पाकिस्तान, इंडिया, हर रैक, छोटा मोटा देश, छोटी छोटी कंट्री क्रिकेट, बट आज क्रिकेट को प्राउड फील करवाए, आज क्रिकेट को मकाम और रुतबा दिया है तो हमारे किंग कोहली साहब ने दिया है भाई जान। ओलंपिक्स में आप देखो, ओलंपिक्स देर सोचो, ओलंपिक्स एक क्रिकेट फैन के लिए बड़ा वो था कि यार ओलंपिक्स जहां सब स्पोर्ट्स होते हैं तो वहां पे क्रिकेट क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता क्रिकेट, एक ओलंपिक्स में था यार कि हम क्रिकेट को इतना चाहते हैं, क्रिकेट के इतने बड़े फैन है, इतने दिलदाद हैं, इतने शौकीन है, तो ओलंपिक्स में क्रिकेट कैसे नहीं हो सकता भाई जान। तो फाइनली ओलंपिक्स 2028 में क्रिकेट आई है और मरहूने मिन्नत है विराट कोहली, द किंग विराट कोहली भाई जान। पता चल गया कि अब्बू की कितनी क्लास है, ये मैं नहीं कह रहा, चलो मैं तो उसका बहुत बड़ा फैन हूं, मुझे तो पता है, क्योंकि के जो घंटे के फैन है ना वो नहीं मानते इस बात को। ओलंपिक्स में अब क्रिकेट ऐड हो चुकी है 2028 में T20 की शक्ल में, और जो ओलंपिक्स का पोस्टर है क्रिकेट के हवाले से उस पे आपको विराट कोहली की तस्वीर मिलेगी। होप यही है कि अब रिमेंस अ परमानेंट एंटिटी, ज्यादा कंट्रीज ये विराट कोहली जो है ना, मैंने पहले भी बताया था, ये गेम से ऊपर वाली चीज है, ये क्रिकेट की गेम से ऊपर वाली चीज है। देखने कितने बंदे ये उधर जो ओलंपिक्स के हेड डायरेक्टर जो थे उन्होंने भी ये बात की है कि अमेरिका में जितने फेमस बंदे हैं विराट कोहली उनसे भी ज्यादा फेमस है, विराट कोहली उनसे भी ज्यादा फेमस है। और ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर स्पोर्ट्स में बात की जाए, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये उस बंदे के बोले हुए अल्फाज है जो ओलंपिक्स को हैंडल करता है,
जिसने बोला है कि ओलंपिक्स में अगर क्रिकेट लानी है तो विराट कोहली का पोस्टर होना चाहिए, उसके अलावा तो बनता ही नहीं है किसी का, उसने ये बात की है कि तीसरे नंबर पे तो आपको भी बताएगा विराट कोहली आते हैं फॉलोअर्स के हिसाब से, पहले रोनाल्डो मैसी फिर हमारे किंग कोहली। तो सर ये किंग कोहली की क्लास है, ये आज ओलंपिक्स में क्रिकेट 128 सालों के बाद ऐड नहीं की गई, दोबारा नहीं जो है वो बहाल हुई, ये विराट कोहली की वजह से ओलंपिक्स में अब क्रिकेट आई है। कुछ भी बोले पहले 128 साल पहले जब क्रिकेट थी, नहीं लॉजिक गलत है, पाकिस्तान और इंडिया तब कोई पाकिस्तान और इंडिया की टीमें ये वाला सीन नहीं था, लेकिन अब इंडिया की टीम अलहदा बाकी टीमें अलहदा ओलंपिक्स में अब ये चीज होगी, और एक बंदे की वजह से होगी जिसका नाम है किंग विराट। इतनी कक्कन ही नहीं है इन लोगों में, तो इन लोगों में बिल्कुल नॉलेज जीरो है भैया। ओलंपिक्स में क्रिकेट विराट कोहली की वजह से नहीं हुई है, ये इंडियंस ने जो कोशिश की है उससे उन्होंने दिखाया कि कितनी पॉपुलर गेम है। अंबानी कह रही है कि हमने करवाया, हाँ नहीं उन्होंने किस कैसे लॉजिक दिया है कि भैया इतनी पॉपुलर गेम है कि इसके व्यूअरशिप देखो कितने व्यूअरशिप होती है, इतनी कंट्रीज खेलती है, उन्होंने पूरा स्टैटिस्टिक्स दिखाए होंगे, उसके हिसाब से उन्होंने पूरा जो है ओलंपिक्स वालों ने स्टडी किया होगा, सब किया होगा, उसके बाद उसको ये। और जो मैं बता रहा हूँ जो आप लोग चेक करिए, अगर किसी गेम की पॉपुलैरिटी रिड्यूस हो जाती है इट कम्स आउट ऑफ द ओलंपिक्स, कोई परमानेंट एंटिटी नहीं होती। अगर अगर लोग उसी तरीके से खेलते रहे, पॉपुलैरिटी बढ़ती रहे, इट विल रिमेन, बट अगर किसी भी गेम की पॉपुलैरिटी रिड्यूस होती है इट इज गोज आउट ऑफ ओलंपिक्स, क्योंकि लोग आएंगे। अभी ओनली 10 कंट्रीज खेलती हैं वर्ल्ड कप में, सॉकर में 30 प्लस हैं, तो अभी पॉपुलैरिटी और बढ़नी चाहिए। और मैंने आपसे थ्रू सुना भी था कि काफी कंट्रीज जो हैं वो भी अपनी टीमें बना रही हैं, और लग रहा है कि यूएसए में भी कोई टीम बनने क्या बन रही है, ऐसा कुछ सुनने को आया है। पर मैं ये कह रही हूँ कि इनके दिमाग में कीड़ा कितना है, और मैं ये भी इनको क्लियर करूँ कि भाई थोड़ा अकल को हाथ मारो, विराट कोहली को पोस्टर बॉय के रूप में चूज किया गया है, और उसका भी रीजन ये है कि ही इज द मोस्ट लव्ड, नंबर ऑफ फैंस उसके सबसे ज्यादा है, प्लस वो इंडियन है और इंडिया से सबसे मैक्सिमम व्यूअरशिप मिलती है। वो सबको स्टडी करने के बाद डिसाइड किया गया कि आउट ऑफ ऑल क्रिकेट प्लेयर्स कौन सा बेस्ट होगा पोस्टर पे जिसकी फोटो लगे, और डिसाइड हुआ विराट। सारे क्रिकेट के व्यूअर्स देखें उनमें सबसे पॉपुलर कौन है, ही इज द वन। क्यों? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बड़ी हाई है और सब इंडियंस जो है विराट कोहली को प्यार करते हैं, विच इज अ गुड थिंग। एग्जैक्टली, वो दैट इज वेरी प्राउड फॉर मोमेंट फॉर इंडियन। मगर इट इज बेस्ड ऑन सम लॉजिक। एग्जैक्टली, अपने वो ये कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली की वजह से विराट कोहली ने करवाया है, विराट कोहली की वजह से क्रिकेट ओलंपिक्स में आया है, नंबर गेम के बाद डिटरमिनेंट। ऐसे नहीं होता जी, हर चीज जो है सब देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, फैक्ट्स को करके फिर किया जाता है। यार इन लोगों के तो कोई लॉजिक ही नहीं है, लॉजिक का ना, लॉजिक का जो कहते हैं ना फर्स्ट लेटर एल ही नहीं इनको पता, तो ये क्या बात कर रहे हैं। समझो, मार्केटिंग। एग्जैक्टली, वो उनकी मार्केटिंग है पॉपुलैरिटी करने के लिए। उन्होंने एक आखिरी पॉइंट, अगर किसी की क्रिकेट की कंपनी मतलब टीम है जो क्रिकेट के यूट्यूब बनाता है, जो जितने भी लोग कनेक्टेड हैं क्रिकेट से, दे विल बी वेरी हैप्पी अबाउट दिस, विच इज़ फाइन, क्योंकि उनका लाइवलीहुड डिपेंड करता है उस चीज पे। बिल्कुल, उनको किसी तरह से ज्वाइन करना था कि भाई हम बताएं ये न्यूज़, जिसको उन्होंने इतना तोड़ मड़ोड़ दिया। और भैया इट इज़ नॉट प्राउड मोमेंट फॉर क्रिकेट, इट इज प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, भारत एंड इंडियंस, क्योंकि हमने ये कराया है और विराट कोहली इज एन इंडियन और उसको चूज किया गया है एज अ पोस्टर बॉय, तो इट इज नॉट प्राउड मोमेंट फॉर क्रिकेट, प्राउड मोमेंट फॉर इंडियंस। हाँ, इंडियंस, भारतीय। किसी क्या बोलते हैं मरी हुई चीज के लिए प्राउड नहीं हो सकता कोई, प्राउड होने के नॉन लिविंग थिंग्स के लिए पर्सन, हाँ, नॉन लिविंग थिंग्स से प्राउड नहीं होता, वो जीवित इंसान के लिए प्राउड होता है, के लिए प्राउड हो सकता है। कुछ नहीं पता, इंडियंस प्राउड हो रहे हैं, इंडियंस प्राउड हो रहे हैं, इंडिया को कोई प्राउड नहीं होगी। ये वो कह रहे हैं कि भैया ये बोतल बहुत प्राउड फील कर रही है, ये बोतल, ये जो मेरी बोतल है, बोतल ये प्राउड फील नहीं कर सकती, ये प्राउड फील कर रही है क्योंकि विराट कोहली ने इसमें से पानी पिया है, ये लॉजिक है इनका, समझ रहे हो। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।